बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद आप सब खुश होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे अपनी रहमत के साए में रखे। तुम्हारी अब दुआ करना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम मुबशर सदीक से मुलाकात करेंगे। हम मुबशर सदीक हवेली में मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सारा जानवर रखे हुए हैं, छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, और इन्होंने चूजे भी रखे हुए हैं छोटे छोटे। ये है जी तीतर, ये है जी कबूतर जो मुबशर सदीक ने रखे हुए हैं। ये लाहौर से लेकर आए थे 20,000 रुपए का जोड़ा। ये हैं जी मुर्गी और मुर्गा जो कि अच्छी क्वालिटी के अच्छे हैं। हमने आपको मुबशर सदीक की पूरी हवेली दिखा दी है, अब उधर ही साइड पे जाएंगे और उधर का भी नजारा आपको दिखाएंगे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुबशर सदीक के किचन में, और आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे मिट्टी की ज्यादा चीजें बनी हुई है, यहाँ पे चिकन फ्राई किया जाता है। ये है पुराने जमाने की चक्की, ये उनके चैनल का नाम है विलेज फॉर सीग्रेट्स। ये वो जगह है जहाँ पे मुबशर सदीक साहब की चीजें भरी हुई हैं, जिनके साथ चीजें बनाई जाती हैं। ये कुकिंग करती है, ये कच्चा कमरा बनाया हुआ है, और ये है मुबशर सदीक का किचन। ये मुबशर सदीक ने बच्चों के लिए झूला बनाया हुआ है। ये हैं जी मुबशर सदीक साहब ने रखी हुई है मछलियाँ। ये है जी पीटर, और यहाँ पे बहुत बड़ी पौधी लगी हुई है, यहाँ पे बड़े भी नहा सकते हैं और छोटे भी नहा सकते हैं। मुबशर सदीक ने अपने किचन का बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है। ये है जी किचन का जबरदस्त माहौल। मुबशर सदीक यहाँ बनाते हैं तरह तरह के खाने। इन्होंने बनाया हुआ है ये अपना किचन जबरदस्त। हमने आपको ये पूरा किचन दिखाया है। मैंने आपका किचन भी देखा है, और आपने वहाँ पे जो जानवर रखे हुए हैं वो भी देखे हैं। आपने तो बहुत ही कमाल कर दी हुई है यहाँ पे। बस देख लें, फिर आपकी मोहब्बत है ना इस वजह से। भाई आपके कमाल ही करते हैं। पसंद आया परिंदे? यस। किचन भी पसंद आया? किचन भी मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल बनाया है। फिर यहाँ ही रहो ना आप भी है? अभी हम जा रहे हैं अपने गाँव। जी ये मेरे मामू के बेटे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें, माशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिजान अली को दुआ में याद रखिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।